14 मार्च को पंजाब में पंजाब कल्चर डे मनाया गया, जो कि मुख्तलिफ स्कूलों में मुख्तलिफ अंदाज से मनाया गया। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुख्तलिफ स्कूलों में पंजाब कल्चर डे कैसे मनाया गया। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। छोटे बच्चे जो स्कूलों में, उन्होंने मुख्तलिफ कलर के कपड़े पहने और पंजाब की सकाफत को उजागर किया। छोटी बच्चियां जो हैं वो पंजाब के डिफरेंट कल्चर के कपड़े पहन के आईं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे थे प्राइमरी क्लासों तक, उन्होंने शेरवानी, वास्केट्स और सैंडल, खूसे और शलवार कमीज़ पहनकर अपने स्कूलों में पंजाब के कल्चर डे को मनाया। जो बड़े बच्चे थे उन्होंने टैबलो पेश की, उन्होंने लुड्डी पेश की, उन्होंने डिफरेंट किस्म की जो है ना वो एक्टिविटीज़ की अपने अपने स्कूलों में। इसके अलावा जो बड़े हायर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चे थे उनके स्कूलों में, तो उन्होंने कुछ स्कूलों में गुड़ डांस का जो है वो भी इंतज़ाम किया गया। और कुछ तो ऐसे भी स्कूल के बच्चे थे जिनमें बकायदा बच्चे जो है वो अपने ट्रैक्टर, जो पंजाब में फसलें उगाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो भी लेकर आए हुए थे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सकाफती स्टॉल मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों में लगाए गए, जिसमें ये बताया गया कि पंजाब जो है वो धरती है 5 दरियाओं की। ये पंजाब 5 दरियाओं की धरती है, ठीक है। तो इस हवाले से, कल्चर डे के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पंजाब की सकाफत में यूज़ होने वाले खाने के बर्तनों को से लेकर पहनने की चीज़ों तक हर चीज़ को जो है ना वो उजागर किया गया। यहाँ से पंजाब के कल्चर में एक रवायती हाथ से इस्तेमाल होने वाला पंखा इस्तेमाल होता है, वो भी बड़े ज़ोक शोक के साथ मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं उनमें सजाए गए, ठीक है। पंजाब के कल्चर में औरतें जो हैं वो घड़ों पर, सर पर घड़े लेकर आती हैं, ठीक है, उसको भी जो है वो ये देखें सकाफती अंदाज में दिखाया गया मुख्तलिफ स्टालों में। और छोटे बच्चे जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के टैबलो पेश किए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो किसान बना हुआ है और एक बच्चा पंजाब के रवायती हुक्के को पी रहा है। पंजाब में जो है वो दो सहेलियां जो हैं वो खेल रही हैं, ठीक है, इसको एक टैबलो में पेश किया गया एक स्कूल में। इसके अलावा दस्तकारियाँ जो पंजाब के कल्चर का एक नुमाया हिस्सा है वो भी इसमें पेश किया गया। मुख्तलिफ किस्म के स्टॉलों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है ना वो लगाई गई, जिनसे सकाफत, पंजाब की सकाफत को और ज़्यादा जो है ना वो लोगों के सामने पेश किया गया। ये मुख्तलिफ स्टॉल हैं, देखें इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो चीज़ें रखी गई थी। और पंजाब की सकाफत में अगर हम लस्सी, साग और मकई की रोटी की बात ना करें तो ये सकाफत पूरी नहीं होती। तो मुख्तलिफ स्टॉलों पर जो है ना वो मकई की रोटी, साग और लस्सी भी पेश की गई, लगाई गई, ताकि सकाफत को उजागर किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं। दस्तकारियाँ पंजाब के जो बच्चियाँ हैं हमारी, ठीक है, उनकी एक शौक़ होता है कि वो अपने हाथ से जो है ना वो कढ़ाई करें। तो ये भी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के स्टॉलों पर, टेबलोज वगैरह में ये सब कुछ जो है ना वो पेश किया गया। इसके अलावा हुक्का जो है वो पंजाब की शान है। हुक्का पंजाब का नाम हो, पंजाब कल्चर का नाम हो और हुक्का ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। मुख्तलिफ छोटे छोटे बच्चों ने मुख्तलिफ टेबलोज पेश की और मुख्तलिफ किस्म के स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो पंजाब के सकाफती लिबास में तशरीफ़ ले आए। इसके अलावा मुख्तलिफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के जो CAO साहब हैं, ठीक है, उन्होंने भी पंजाब के को अपने कल्चर के मुताबिक, पंजाब कल्चर डे को जो है ना वो पंजाब के कल्चर के मुताबिक मनाया। इस तरह रवायती बैठक भी मनाई गई स्कूलों में, जैसा कि पंजाब के कल्चर में रवायती बैठक जो है एक लाजमी हिस्सा है।
तो आई होप आप लोगों ने मेरी ये वीडियो जो है ना वो पसंद की होगी। अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।